हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल। तो आज जो हम जो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो जूम क्लास पे ले रहे थे, जूम क्लास पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि वहाँ पे कभी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था, कभी आपको डाटा इश्यू हो रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम होता, जिस वजह से आप लोग क्लास प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पा रहे थे। दैट्स वाइज जो है अब जो आपके क्लासेस जो है रेगुलर तरीके से यूट्यूब पे अपलोड होगी, जहाँ से आप लोग चाहो एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग आसानी से समझ सकते हो। और उसके बाद डाउट क्लास जो होगी आपकी वो जूम ऐप पे होगी, ताकि आपको जो डाउट है, अगर जो कुछ फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग को वहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कल प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में जो है हम 13 क्वेश्चन समझाए थे, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रह गया था 14 क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज हम लोग 14 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले। तो 14 क्वेश्चन में यह था स्टूडेंट्स की फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें इस ब्लैंक्स में, जैसे यहाँ पे हमें खाली फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, जिसमें हमें फिल करना था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो एट फर्स्ट हियर वी सी दैट 5 की टेबल 15 पे पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम देख रहे थे 5 में क्या कर रहे थे कि 15 आ रहा था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 3 से क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 15 आ रहा था। दैट्स वाई हम लोग इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 3 जा माइनस 18 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 18। तो आपको ये तो लिखना नहीं है, हम तो समझाने के लिए बताए, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट फिल करोगे क्या आएगा आंसर, माइनस 18 क्या आएगा, माइनस 18। सिमिलरली यहाँ से भी आप लोग देख रहे कि माइनस 6 में हम क्या कर रहे थे कि 30 आ रहा था, वो भी प्लस का 30। तो आप बोलोगे सर माइनस 6 में हम लोग माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 30 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 6 में माइनस 5 से अगर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग वो भी माइनस 5 से, तो हम 5 में भी माइनस 5 से हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, 5 में माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25 आ जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देना, प्लस माइनस का साइन भी देखते हुए करना है कि हम क्या कर रहे हैं कि आंसर हमारा ये आ रहा है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में, दोबारा एक बार हम समझते हैं। देखो ये फिर इन रहा है, तो पहले ये नीचे था तो 5 3 जा 15 आ रहा था, इसलिए 6 3 जा माइनस 18, क्योंकि माइनस 6 था तो प्लस 3 से कर रहे थे। यहाँ पे देख रहे थे कि माइनस 6 में है, यहाँ पे प्लस 30 आ रहा था, यानी कि माइनस 6 को हम लोग माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो माइनस तो प्लस का 30 आ रहा था। इसीलिए 5 में भी हम लोग जो है, 5 में जो है हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से, तो माइनस 25 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से देख रहे थे 9 क्या कर रहे थे कि 36 आ रहा था, तो हम बोलेंगे इसमें हम लोग माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये 36 आ रहा था, इसलिए हम लोग इसमें भी माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 28 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो फर्स्ट था कि हम लोग किस तरीके से समझ रहे थे। सेकेंड में जो था 7 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइनस 35 आ रहा है, तो बोलोगे सर 7 में ना हम लोग माइनस 5 से देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 35 आ जाएगा, इसलिए हम लोग माइनस 9 में हम लोग भी माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोनों में, तो 95 या 45 और माइनस माइनस प्लस 45, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 करना था। सिमिलरली इसी तरह से नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है आप लोग करोगे, इसी तरह से आगे जो दो क्वेश्चन है आप लोग इसी तरीके से करोगे। 15 क्वेश्चन में जो है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद द कॉमन डिनोमिनेटर, हमें रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर है सबको इस तरह से लिखना था कि सबके कॉमन डिनोमिनेटर ये हो, मतलब एक ही डिनोमिनेटर सबका एक हो। तो देखो उसके लिए एक रूल्स होता है कि जब भी हम कॉमन, मतलब इसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, लाइक फ्रैक्शन होता था ना कॉमन डिनोमिनेटर, और लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते थे स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पहले इसका एलसीएम लेते थे, क्या लेते थे एलसीएम लेंगे और वही सबका कॉमन डिनोमिनेटर आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि 4 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 भी आएगा, आप लोग एलसीएम निकाल लेना, 4 6 12 का एलसीएम 12 ही आएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 7/4 को पहले हमें 12 लाना था, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21/12। इसी तरह से 9/6 में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 18/12, नीचे हमें 12 लाना है, ऊपर जो आ रहा है 17/12 तो था ही, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, 12 पहले से था, यानी कि इसका कॉमन डिनोमिनेटर जो है स्टूडेंट्स, कॉमन डिनोमिनेटर जो वो क्या जाएगा 21/12 और 18/12 और 17/12, ये आएगा सबका कॉमन डिनोमिनेटर। ये जो फ्रैक्शन है ये तीनों, इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा, ये आएगा। इसी तरह से जो है आप लोग
इसी तरह से आप लोग देखो 15 का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें है 8, 24, 48 और 32। पहले आप लोग इसका एलसीएम निकालोगे, आप लोग पहले इसका एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम आएगा 96। क्या आएगा स्टूडेंट्स? आई होप 96 आएगा। यस, इसका एलसीएम 96 आएगा। तो सबको पहले इसी तरह से देखोगे कि 8 में देखो, हम इसका सेकंड क्वेश्चन करके बता ही देते थोड़ा, अगर जो आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो हम सेकंड क्वेश्चन भी हम करके बता देते आपके लिए कि किस तरीके से करना था। ठीक है, आई होप कि देखो ये कर लिया। अगर जो आपको बच्चे का जो नहीं कर पाया है तो आप लोग बाद में दोबारा से भी वीडियो प्ले करके देख सकते हो, या बाद में दोबारा से रिज्यूम भी यहाँ पे करके स्क्रीनशॉट पहले लेना, ऐसे दोबारा आप लोग देख लेना। दो बार जब भी डाउट हो, एक बार, दो बार, तीन बार आसानी से समझो। ठीक है, आपको जो भी लिंक है उस पर क्लिक करोगे, दो बार तीन बार जितने बार भी देख सकते हो। ये बेनिफिट है आपकी यूट्यूब क्लासेस पे। अदरवाइज आपको थोड़ा जूम पे जो होता है, एक बार हम बता दिए, दोबारा आप लोग चाहोगे नहीं देख सकते थे उस चीजों को। नेक्स्ट जो था हमारे पास स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास था वो जो था इसी में, देखो हम बी जो था हम बोले आपको बता ही देते हैं। बी में जो था देखो क्या था, बी में है, बी में है 3/8, 3/8 और 16/24, उसके बाद 12/48 आफ्टर देन एंड 15/32। ओके, तो ये हमारे पास था, ये हमारे पास था कुछ, ये जो हमारे पास था, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे 8, 24, 48 और 32 का एलसीएम जो है वो 96 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? 96। आप लोग को नहीं हुआ तो आप लोग बगल में यहाँ पे जब दोबारा आप लोग कभी एलसीएम भी करके देख लेना, 96 आएगा, 96 आएगा। ठीक है, ये तीनों का एलसीएम जो है 96 आएगा। हम तो नहीं देखे, अब एक एक करके वही करेंगे। हम इसमें क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हमारा 96 आ रहा था डिनोमिनेटर में, कितने से मल्टीप्लाई, तो आप लोग को नहीं समझ में आता कि कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे डिवाइड कर दो। देखो 12/8 90, यानी कि हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करे थे, तो 3 में भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 36/96 बन गया। सिमिलरली इसमें देख रहे हैं कि 64/24, तो हम लोग बोलेंगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना 24 में, तो 96 आ रहा था, तो 16/4 या 64 लिखेंगे। इसी तरह से 12/48, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 24/96 आ रहा था। आफ्टर देन हम लोग 15/32, तो इसमें आप बोलेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 32 में, तो इसका डिनोमिनेटर 96 आ रहा था। अब आप लोग देख पा रहे होगे, आप लोग देख पा रहे होगे कि फ्रैक्शन जो था ना ये बन गया 64/96 और 24/96 और 15/96। ठीक है, ये फ्रैक्शंस बन गया, ये फ्रैक्शन बन गया, और ये सबका डिनोमिनेटर जो था क्या था, सेम था, सबका डिनोमिनेटर जो था वो सेम था। तो हम लोग चीजों को इस तरीके से करेंगे, इस तरह से करेंगे दोनों क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन आ गया होगा समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से कि हमें क्या करना था। अब जो है हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। कौन सा 16 क्वेश्चन नंबर करेंगे कि क्या हमें करना था, किस तरीके से चीजों को सोल्व करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो था, क्वेश्चन नंबर 16 जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, क्वेश्चन नंबर 16 में जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है हर एक क्वेश्चन में। जैसे देखो 1/4 = 7/x, क्या था 1/4 = 7/x। तो आई होप कि आपको याद होगा 6th क्लास में हम लोग पढ़ाए थे किस तरीके से कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 को 1 से, पहले तो 4 को 7 से करेंगे, मान लो इधर लिख दिए, और x को 1 से करेंगे इधर, तो 7/4 = 28, दैट बाय द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 28। x की जो वैल्यू है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 28 होगा। देखो और हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, एक दो और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं ताकि आप लोग चीजों को अच्छा आसानी से समझ सको। -2/9 = -2/9 = x/x/27 ठीक है, यहाँ से हम लोग देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो -2 को 27 से करेंगे और 9 को x से करेंगे। तो इधर तो देखो मल्टीप्लाई भी करके नहीं लिख रहे, देखो ये क्या आ जाएगा, 9 इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाता है। आप लोग को लीनियर इक्वेशन पढ़ा रखे, 9 3 = 27, 3 2 = 6, यानी कि -6 वैल्यू आ जाएगी, x की जो वैल्यू थी वो -6 आ जाएगा। कैसे कैसे हम लोग किए, 2 को 27 से मल्टीप्लाई किए, इधर लिखेंगे 9 को x से करेंगे 9x लिखे। अब ये मल्टीप्लाई नहीं किए थे ताकि हमें मल्टीप्लाई करना, ऐसे आप लोग कर लेंगे 54 और 9 को 54 से करोगे डिवाइड, तो अगेन 6 ही आएगा, तो -6 आ गया आंसर।
आरएसएन में आई होप कि देखो आप लोग इसी तरह से और रिमेनिंग जो दो क्वेश्चन है आप लोग कर लोगे, उसे आसानी से आप लोग को होमवर्क में तो पूरी अच्छे से फेयर कॉपी में हमें करके दिखाना कि किस तरीके से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 क्वेश्चन में जो क्या था, देखो 17 क्वेश्चन में क्या था, एक्सप्रेस 21/57, एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्रेस देखो आखिरी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 2.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 21/57 विथ न्यूमिरेटर विथ न्यूमिरेटर यानी कि जो इसका न्यूमिरेटर आना चाहिए इक्वल टू सेवन, जो सेवन के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब न्यूमिरेटर यानी कि 21/57 में हम लोग क्या कर रहे थे, इसका न्यूमिरेटर 17 आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें हमने 3 से डिवाइड, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डिवाइड भी तो कर सकते, 3 से डिवाइड कर रहे थे तो ये 7 आ रहा था, 3 7 21, तो यहाँ पे 3 को 57 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा स्टूडेंट्स, 19, तो 7/19 करेंगे, ठीक है। 21/7 के न्यूमिरेटर को 7 के फॉर्म में लिख दिए तो 7/19, जब इसे 7 लिखेंगे तो ये डिनोमिनेटर जो है क्या आएगा, 19 आएगा। तो आई होप को देखो एक्सरसाइज 2.1 जो है आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या हमें करना था। फिर भी अगर जो किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो जाता है, कोई भी रहता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, या तो आप लोग हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं और या तो आप यहीं पे नीचे कमेंट में करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या इशू है, ठीक है। बाकी आप लोग क्लास जो आप लोग प्रॉपर तरीके से करें और आई होप कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे हमारे साथ जुड़ के। अब जो हम थोड़ा 2.2 का कॉन्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास क्लास की टाइमिंग अभी बच रही है, तो हम लोग जो है 2.2 एक्सरसाइज जो है आज ही हम लोग करेंगे। 2.2 जो है देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब जो एक्सरसाइज आई होप कि देखो ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग कर लिए होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 2.2, हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, एक्सरसाइज 2.2। अब 2.2 में जो था स्टूडेंट्स, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, क्वेश्चन में दिया हुआ था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, यानी कि ये जो रेशनल नंबर है उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो देखो आपको 6 क्लास में हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहे, क्या हम बता रहे अच्छे से करना, ये आपको 8-9 तक काम आएगा। एट फर्स्ट 1/2 हम देखो दो तरीके से बताए थे, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। -1/2 हम 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करके भी बताएंगे, बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आप लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखे 1/2, तो 1/2 जब हम लिखे स्टूडेंट्स, जब 1/2 लिखे तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो है क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि न्यूमिरेटर छोटा है। तो 1/2 तो हम बताए थे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, पहले जितना नीचे डिनोमिनेटर है आप लोग 0 के बाद उतनी लाइन खींचोगे, तो 1 अगर प्लस पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव में, नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में, तो यहाँ पे 1 लिखे और 2 लाइन खींच दी, ऐसे हम लिखेंगे 0.1, फिर लिखेंगे 0.2 और 2/2, तो ये जो होगा हमारा 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है हमें 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग लिखेंगे दो, देखो -1/2 इस बार माइनस को हम इधर देखेंगे, ठीक है, इधर माइनस को, तो यहाँ तो देखो 2 है, नीचे पहले डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम यहाँ पे तो मान लो 1 लिखे, यहाँ पे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 1 और 2, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखेंगे -1/2, यहाँ पे लिखेंगे -2/2, जिसे काट के -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो था स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1/2 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये -1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब था इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को देखो हम लोग कैसे करेंगे। 12/15, एक तो ये ऑप्शन है कि आप 12 लाइन भी खींचोगे, 12 पॉइंट लोगे, बट हमेशा ये काम नहीं करेगा। पहले हम लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में 12/15 को क्या लिख सकते हैं, पहले भूल जाए थोड़े से माइनस के साइन, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे 5/10 और प्लस 12। अब आया याद कि माइनस का साइन था माइनस के, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं -2/5 अलग अलग, ठीक है। इसे हम लोग देखोगे रिप्रेजेंट करोगे तो माइनस वही आएगा 12/5।
अब इसे नंबर लाइन पे देखो, हम ऊपर क्वेश्चन जो था ये ऊपर का नंबर लाइन इसे मिटा रहे हैं, किस तरीके से करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सको आसानी से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो था हमारे पास माइनस टू ब्रैकेट माइनस टू अपॉन फाइव, तो यहां से हम लोग देखो क्या करेंगे, जीरो लिए, यहां से जीरो, पहले तो जो ये नंबर है इसे रिप्रेजेंट करेंगे अलग से, तो माइनस वन माइनस टू, इसके बाद देखो माइनस टू अपॉन फाइव, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब वन टू थ्री फोर फाइव लाइन खींच दिए, और ये क्या होगा, ये जो हो गया था हमारे पास माइनस वन अपॉन फाइव, ये जो था माइनस टू अपॉन फाइव, इसी तरह से माइनस थ्री अपॉन फाइव, माइनस फोर अपॉन फाइव, माइनस फाइव अपॉन फाइव, जिसे काट के वन आ गया, यानी कि माइनस टू इधर माइनस थ्री हो गया। अब हमें रिप्रेजेंट करना था माइनस टू होल टू अपॉन फाइव, माइनस टू अपॉन फाइव, तो माइनस टू अपॉन फाइव क्या था, ये नंबर है, तो ये जो पूरा है वो इसे रिप्रेजेंट करेगा माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव को। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है पूरा वो रिप्रेजेंट करेगा माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव को। तो हम लोग इस तरह से सिक्स क्लास में भी आप लोग पढ़े थे नंबर लाइन पे किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना था, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसी तरह से बाकी का जो क्वेश्चन है, प्लस में होगा तो आप लोग प्लस में रिप्रेजेंट करोगे, जो माइनस में होगा उसे माइनस में रिप्रेजेंट करोगे, और इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर टू में देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर टू में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि इसमें से कौन सा जो पेयर्स है रेशनल नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर का पेयर है जो इक्वल है, पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर आर इक्वल, आर इक्वल, यानी किसमें कौन सा रेशनल नंबर का पेयर है जो इक्वल है। तो हम कैसे इक्वल करेंगे, सबसे पहले हम एक ऑप्शन लेते हैं माइनस सिक्स अपॉन इलेवन, माइनस सिक्स अपॉन इलेवन एंड माइनस इलेवन अपॉन इलेवन, और था, और हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइव अपॉन माइनस इलेवन, फाइव अपॉन माइनस इलेवन। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सिक्स अपॉन इलेवन माइनस इलेवन से किए तो माइनस सिक्सटी सिक्स, इधर इलेवन इंटू फाइव से करेंगे तो फिफ्टी फाइव, ठीक है, ये माइनस 60, तो ये दोनों इक्वल नहीं आया, तो इसे लिख देंगे इट इज नॉट इक्वल, यानी कि ये तो इक्वल नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में इसी तरह से करें, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर बराबर आ रहा तो वो इक्वल होगा, अगर जो बराबर नहीं आ रहा तो इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज दैट माइनस 15 अपॉन 25, क्या था, माइनस 15 अपॉन 25 एंड 21 अपॉन एंड क्या था स्टूडेंट्स, 21 अपॉन माइनस 35, दैट मीन्स माइनस 15 को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस 35 से, फिर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। अब माइनस 15 को माइनस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो मल्टीप्लाई करो 35, देखो पहले मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, 7, 5, 12, 3, 1, 4, माइनस 425, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 425, ठीक है। उसके बाद 25 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो 25 दूना तो 50, देखो 25 को क्या करेंगे यहाँ पे 525 आया था यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 525। अब 25 को 21 से करेंगे तो देखो 25 दूना 50, यहाँ पे भी 525 आएगा, ये भी 525 आएगा, तो इट इज इक्वल, तो ये जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, वो जो है स्टूडेंट्स ये जो है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आई होप कि देखो आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से करना था। इसी तरह से हमें, इसी तरह से आप लोग सारा जो है पुट कर, सारा जो है आप लोग सॉल्व करोगे, इसी तरह से आप जो सारा है सॉल्व करोगे, हम तो दो कर दिए, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप लोग खुद से करोगे, अगर जो फिर भी आंसर नहीं आता आप लोग का तो हम इसे फिर डाउट क्लास में जो है आप लोग पूछोगे, हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट वन इज दैट, नेक्स्ट जो था हमारे पास, देखो जो नेक्स्ट है वो जो है हमारे पास है, जो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास था 3/7, अब फिल इन द ब्लॉक्स, हमें फिल बॉक्स में फिल करना था, फिल इन द बॉक्स बॉक्सेज, यानी कि हमें बॉक्सेज में फिल करना था, क्या क्या फिल करना था, विद द करेक्ट सिंबल, विथ द करेक्ट सिंबल, यानी कि हमें सही सिंबल इस पे रिप्रेजेंट करके फिल करना था, करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, ठीक है, ये, ठीक है, ये हमें फिल करना था इसमें। ओके, अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 3/7 1, और बी में जो था देखो स्टूडेंट्स, बी में है माइनस 3/7 डैश
माइनस थ्री अपॉन सेवन डैश टू अपॉन सेवन, ठीक है। फिर सी में जो था, सी में जो है स्टूडेंट्स वो है माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व, माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व डैश माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व, माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व डैश माइनस नाइन अपॉन ट्वेल्व, ठीक है। और एक जो है ये तो डिनोमिनेटर सेम है, एक जो है हम ई ले लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ताकि आप लोग आसानी से समझ सको और फिर चीजों को आसानी से कर सकोगे, ठीक है। सिक्स अपॉन टेन माइनस थ्री अपॉन माइनस फिफ्टीन। अब देखो सबसे पहले तो इसके नीचे हम लोग देखेंगे ये वन अपॉन वन है, ये थ्री अपॉन सेवन है। हम कैसे चेक करते थे, कैसे चेक करते थे, देखो थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री, सेवन को वन से करेंगे तो सेवन, ये बड़ा है इसलिए इधर का साइन आएगा, थ्री अपॉन सेवन से वन बड़ा है तो ये आ गया। यहाँ पे जब बताए थे स्टूडेंट, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो ऊपर का वैल्यू बड़ा होता है वही बड़ा होता है, तब बड़ा कौन है, निगेटिव तो हमेशा छोटा होता है, जो पॉजिटिव में नंबर होता है पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव, इसलिए ये बड़ा आ गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे थे माइनस ट्वेल्व, ये भी डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों ऊपर माइनस का साइन है, तो जब निगेटिव है ना जो जितना छोटा नंबर होता है उतना ही बड़ा होता है, यानी कि माइनस फाइव ना बड़ा होगा माइनस नाइन से, कब, जब ये निगेटिव में है तब, इसीलिए। फिर हम बताए थे ये अलग अलग डेनोमिनेटर है, तो अलग अलग डेनोमिनेटर है तो सिक्स को पहले आप लोग माइनस फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर लेना और टेन को माइनस थर्ट, ये हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे माइनस थ्री। देखिए यहां से देख रहे थे फिफ्टीन सिक्स जा माइनस नाइनटी और टेन को थ्री से कर रहे थे तो माइनस थर्टी, अब कौन बड़ा है हम बताएं, माइनस में जो जितना छोटा वैल्यू है ना थर्टी वो उतना ही बड़ा होता है, ये बड़ा है, तो आप लोग इस तरीके से करोगे। तो आई होप कि देखो आप लोग जो ग्रेटर और स्मॉलेस्ट पहचानने के लिए आ गया होगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आ गया और 1.1 2.1 आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और हम लोग के साथ जुड़ के आप लोग अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और अच्छे से पढ़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।